ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर के जरिए जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे उसको किसानों ने यहाँ गिराना शुरू कर दिया। और शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए घग्गर के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर रखे थे उसे किसानों ने गिराना शुरू कर दिया है। और सामने देख सकते हैं कि ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुंच चुके हैं और अब ट्रैक्टर के जरिए ये देखिए सामने आप सीधा दाईं तरफ मेरे देख पाएंगे कि जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे उसको अब किसानों ने यहाँ गिराना शुरू कर दिया। और साइड पे आपको पहले दिख रहा था कि एक पत्थरों की दीवार बनाई थी जिसे बड़ी बड़ी लोहे की जो रॉड थी उसके जरिए किसानों ने उसे नीचे गिरा दिया है। और कहीं ना कहीं ये रास्ता भी धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और घग्गर में इसको गिरा दिया गया है। और अब बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं, इसको भी गिराने के लिए किसानों की तैयारियां आप देख सकते हैं। सामने हाथों के जरिए ये फोकस किया जा रहा है कि जोर लगा के ये ताकि ये पत्थर गिराया जा सके। एक बड़ी पाइप आप देख रहे हैं, लोहे की बड़ी पाइप है और यहाँ पर दर्जनों युवक जो हैं वो जोर लगा रहे हैं और पत्थर को गिराने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है और ये ताकि पत्थर गिराए जा सके। जो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं उन्हें गिराने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये घग्गर नदी के ऊपर की तस्वीरें हैं और अब शाम बैठक चल रही है और बैठक के बीच में ही किसान यहाँ पर अपनी पूरी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पुलिस मौजूद है और घग्गर में जो भी ये बड़ी बड़ी चट्टाने बड़े बड़े पत्थर आ करके रखे गए थे इनको गिराने की तैयारी है और पाइप्स बीच में फंसा दी गई है ताकि जो भी गैप यहाँ पर दिखे तो उस गैप के जरिए ये यहाँ पर इसको हटाया जा सके। और पत्थर जब नदी में गिरा दिए जाएंगे तो जो बड़े 10-10, 15-15 फुट के गहरे जो गड्ढे बनाए गए थे वो उसको हटा करके उसी के ऊपर ये बड़े पत्थर गिराए जा रहे हैं ताकि एक रास्ता भी यहाँ पर बन जाए और इस रास्ते के जरिए किसान आगे की तरफ अपने ट्रैक्टर लेकर के जा सके। और तैयारी किस प्रकार है किसानों की आप देख सकते हैं, रात करीब 7:30 का वक्त हो चुका है और शाम 7:30 बजे किसानों ने यहाँ पर पत्थर जो है वो नीचे गिराने शुरू कर दिए हैं और अब रास्ता यहाँ पर बनाने की तैयारी किसानों के द्वारा की जा रही है। पुलिस ने इसे रोकने की यहाँ की कोशिश की थी और किसान आगे ना जा पाए, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग थी, सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी गई और 3-4 लेयर की सुरक्षा की और बीच में घग्गर को ना क्रॉस कर पाए तो घग्गर में ही किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर रखे गए थे उसको भी गिराने की का प्रयास किसानों ने की कोशिश शुरू कर दी और काफी पत्थर नीचे गिरा भी दिए गए हैं। मैं कैमरामैन रिंकू को कहूंगा कि वो एक बार नीचे की ओर दिखाएं। मैं रिंकू से बात करूंगा कि रिंकू पीछे नीचे की ओर दिखाएं कि देखिए किस प्रकार से पत्थर यहाँ पर जमींदोज कर दिए गए हैं जो यहाँ ऊपर रखे गए थे और यहाँ से किसानों को अब रास्ता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर पुलिस लेकर के आई थी कि यहाँ पर किसानों को रोका जाएगा और उन्हीं सब पत्थरों को अब रास्ते के रूप में यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं किसान। वो जोर अजमाइश देखिए लगातार जारी है और किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और पत्थर को धकेला जा रहा है ताकि वो पत्थर नीचे गिरे और जो रास्ते बंद हो रहे हैं वो रास्ते इनके लिए खुल सके। तो तस्वीरें लगातार आपको शंभू बॉर्डर से हम दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अब पुलिस के जो इंतजाम हैं उसको धत्ता साबित कर दिया और देखिए इस पूरी बड़े पत्थर को हिलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में धक्का दे करके इस पत्थर को नीचे जो घग्गर नदी है उसमें गिरा दिया जाएगा। और रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं किसान अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं, जिसे प्रशासन ने खोद दिया, जिसे प्रशासन ने यहाँ पर इनके लिए बैरिकेड्स के रूप में इंतजाम किया। लेकिन अब किसान आपको दिख रहा है कि रुकने वाले नहीं हैं और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ किसान यहाँ पर रास्ता अपने लिए बना रहे हैं जिसको प्रशासन ने रोकने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े बैरिकेड्स ला करके रखे थे तो उसे अब रोकने के लिए सरकार ने प्रशासन ने जो पत्थर लगाए थे उसे
तोड़ा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है ताकि रास्ता यहाँ कहीं ना कहीं बन जाए और यहाँ से किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के शंभू बॉर्डर को पार कर हरियाणा में दाखिल हों और दिल्ली जाने का रास्ता सुगम हो सके। तो यहाँ पर भीड़ किसानों की मौजूद है और मीटिंग भी एक तरफ चल रही है, करीब एक घंटे का वक्त बीत चुका है, मीटिंग का दौर चल रहा है और अब बैठक में क्या कुछ निकलता है, बैठक जो चल रही है उस बैठक में क्या कुछ होता है, कोई डिसीजन निकलता है या नहीं निकलता, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन किसान देखिए रणनीति बना रहे हैं कि पहले किस पत्थर को हटाया जाए, एक पत्थर अगर हटता है तो दूसरे पत्थर की जगह अपने आप बन जाएगी उसको हटाने की भी। तो पहला पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो कि तो प्रयास लगातार किसानों का जारी है कि इसको हटाया जा सके और कई किसान युवक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे भाई साहब, फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये रॉड पाइप जो है उसके जरिए इस जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, तो लगता है कि जिसे पुलिस ने रोकने के लिए आप लोगों के लिए रखा था उसे आप रास्ते के रूप में उपयोग कर लेंगे? हाँ जी हाँ, बस आप पीछे जेसीबियां करना आ रही सब हो जाएंगे, तो वैसे अज आए थे देखना इतने, तो साड़ी तो पहला ही बेनती है मोदी नो भी तुसी रहन दियो ते प्यार नाल मसला हल हो जाए, तो उहदे बारे गल नहीं है कोई। अच्छा। नहीं फिर किसानां दा सानू पता ही है जी, हुण असीं पहला 2 साल पहला भी गए सी भी हां साडा दिल नहीं करदा कि हां भी असीं उत्थे जाइए। आ मोदी जिहड़ी भाजपा सरकार है आ कारपोरेट हरियाणा दे चल रही है, आ सारे छड़े है ना, मोदी ना बीबी ना बाल बच्चे ने गए, खट्टर हो गया इन्हों ने क्या पता महंगाई का। हुण जिम्मेदार ये बताइए कि घग्गर को खोदा गया था और इसको खोद के यहाँ बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, अब इन पत्थरों को आप रास्ते के रूप में क्यों करेंगे? ना हम रास्ते रोड से ही जाएंगे, ये तो खाली ऐसे ही इन्होंने पत्थर लगाए थे। हाँ जी मेन रास्ते से ही जाएंगे, शांतमय ही जाएंगे। हाँ ये तो खाली इन्होंने वैसे इधर पत्थर बनाए थे, कच्चे रास्ते से नहीं जाएंगे, रोड से ही जाएंगे, पीछे रोड से ही चाहे आप इसको लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ना इसका कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही इन्होंने लगा रखे थे, इनको आज वैसे जोश दिखा रहे हैं। यहाँ से तो आपको पता ही है ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता, ये तो एक वैसे ही उन्होंने डराने के धमकाने के लिए लगा रहे हैं पत्थर, पत्थर लगाने के यहाँ तो जरूरत ही नहीं है उनको। फिर अगर आपने सड़क से जाना है तो ये पत्थर गिराए क्यों जा रहे हैं आप, ये क्या दिखा रहे हैं सरकार? ये उन्होंने लगाए, ये हमने थोड़ा लगाए, नीचे खड्डे पाड़े हैं। हाँ। उन्होंने किसी डर की वजह से नीचे खड्डे पाड़े हैं कल के। हाँ। हम लोग कल परसों के यहीं पे हैं। एक दिन में उन्होंने रास्ता कोई नहीं है ये ना ही यहाँ से कुछ जाएगा, ये तुमको पता हमारे को उनको पता है, 10-10, 12-12 फुट के खट्टे बांट दिए हैं कि भाई पता नहीं यहाँ से क्या निकल जाएगा, निकलेगा तो सब कुछ ऊपर से, नीचे से थोड़ी कोई निकलेगा। अच्छा। नीचे भी बंदे खड़े हैं। पत्थर नीचे क्यों गिराए जा रहे हैं? ये तो इनको जो ये कर रहे हैं ना, इनका खाना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, तुम जैसे मर्जी उखाड़ो, हम लोग भी टाइम पास कर रहे हैं, हम भरने के लिए हैं, तुम जैसे मर्जी उखाड़ते रहो, हम भरने के लिए हैं। नदियां गुरु गोविंद सिंह जी भी नदियां वालों गए हैं, तो इसी अपना याद कर रहे हैं। एक तरफ मीटिंग चल रही है अभी मंत्रियों के साथ, किसानों में कुछ होना होता साहब, ये मीटिंग में कुछ सिट्टा निकलता तो इतना खर्चा क्यों करती सरकार? अगर मीटिंग, क्योंकि करीब एक घंटे ज्यादा समय हो चुका है, अगर मीटिंग में सहमति बन जाती है तो आप लोग वापस चले जाएंगे? ये सहमति बननी होती, ये देखो 99% कोई आस नहीं है। अच्छा। समझे हो ये बात को, 99% कोई आस नहीं है, जो मीटिंग रखी है इन्होंने, ये ऐसा कुछ होता क्यों? ये सरकार माननी होती, कितना खर्चा किया आपने देखा? देखा आपने भी नहीं, हमने देखो कितना कुछ है, कितना माल डाला है, कितना कुछ, कितनी गाड़ी बाड़ी, कितनी फोर्स लगाई, खर्चा ही हुआ, सब देश का खर्चा है, किसी घर का तो नहीं है। मगर ये सहमति इन्होंने कुछ नहीं करनी है, ये देश देख रहे हैं कि ये मुड़ जाए, मुड़ने वाला परिवार नहीं है ये। हाँ, अगर सहमति, आप लोग कह रहे हैं कि सहमति नहीं बनेगी, या सहमति अगर बन जाती है, 1% चांस भी अगर सहमति का है, तो यहाँ से फतेह बुलाएंगे और घरों को जाएंगे? वे तो जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, जो जैसे हमारे किसान लीडर हैं वो बोलेंगे वे तो जाएंगे ही। और अगर सहमति नहीं बनती, क्योंकि बैठक हो सकता है 2-3 घंटे चले, तो जैसे ही चंडीगढ़ से ये मैसेज आता है कि सहमति नहीं बनी, तो तुरंत कूच करेंगे या सुबह का इंतजार करेंगे? तुरंत नहीं, हमारे किसान लीडर जब सुबह आएंगे उनके साथ जाएंगे हम, सुबह जाएंगे। हाँ जी, अरदास करके इतो रवाना होवेंगे जी सवेर नू। हाँ, अज असी कॉल साडी मीटिंग चल रही है यूनियन दी, तो सानू संदेश आजूगा, मैसेज साडे कोल ग्रुप है साडे बने हुए, जो सानू हाई कमांड साडी यूनियन वालों आऊगा संदेश। कितनी तैयारी है किसानों की, कितनी तैयारी है, कितने लोग है, कितने ट्रैक्टर है और क्या क्या सामान आप लोग साथ कैरी कर रहे हैं? किसानों की तैयारी पूरी है जी, साडे कोल सारा समान है, जेसीबी है, हैडरे है, ठीक है जी, हर पिंड तो 10 ट्रैलियां वे जी, 100-100 बंदा घर पिछे, एक बंदा वे जिसे 200 घर है 200 बंदा वे, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਫੇਂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ,
जो मर्जी फेंकी जाए जी अथरू गैस कोई फर्क नहीं पैंदा जी। अच्छा, सारे पिछली बार तो 13 महीने आंदोलन चला था, अब की बार अगर दिल्लू सिंघू बॉर्डर पर आप पहुंच गए तो कितने महीनों की तैयारी है? कोई पता नहीं जी, इस बार तो बड़ा चलेगा ये आंदोलन, इस बार तो ज्यादा इकट्ठ भी होगा, पिछली बार थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा होगा इकट्ठ। अच्छा, कई जथेबंदियां जो है वो शामिल नहीं है, तो आपको लगता है कि राजनीति भी हो रही है इस पूरे मैटर? नहीं, राजनीति नहीं, सारे इकट्ठे हैं ये, वैसी एक ग्राहक साहब नहीं आ रहे ऐसी चर्चाएं? नहीं नहीं, आएंगे ये, आएंगे सारे इकट्ठे हैं ये, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अपनी अपनी सोच है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसान जो है मान रहे हैं कि SKM साथ रहेगा और अभी फिलहाल चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये आंदोलन स्टार्ट होगा तो SKM भी और बड़े बड़े जो किसान नेता हैं वो सभी यहाँ पर साथ आते हुए नजर आएंगे। देखिए, फिलहाल पत्थरों को नीचे गिराने की प्रक्रिया लगातार जारी है और कई पत्थर यहां से नीचे गिराए जा चुके हैं और भी पत्थर जो है वो गिराए जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन मोनू कहूंगा कि इस तरफ से आकर के दिखाएं कि आखिरकार जो रास्ते बंद किए गए थे उन रास्तों को किस प्रकार किसान अपने आप अपने लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं। और बेशक ये शिलाएं यहां पर गिराई जा रही है, लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि ना तो किसान इस रास्ते से जाएगा और ना ही जाने के लिए है, जो सड़कें हैं किसान उसी रास्ते से हरियाणा में प्रवेश करेगा और चाहे उसके लिए जो मर्जी बंदोबस्त सरकार कर ले, प्रशासन कर ले, लेकिन उनकी एंट्री सड़कों पर होगी और सड़कों के जरिए ही वो घग्गर को पार करेंगे, घग्गर के बीच में से होकर के नहीं जाएंगे। मीटिंग लगातार चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है मीटिंग चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई इनपुट अंदर से ऐसा निकल के सामने नहीं आ रहा कि सरकार और किसानों से जो बीच में जो बातचीत हो रही है वो कहीं किसी सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही हो, लेकिन किसान यहां पर जरूर अपनी तैयारी किए हुए हैं। और फिलहाल तैयारियां क्या है और किसानों में जोश कितना है ये आप देख सकते हैं। आप भी यहां पर हैं तो कई लोग बात करने से बच भी रहे हैं, आप बात करेंगे? नहीं, बात करने से कई लोग बच रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि कैमरे पे ना आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सपोर्ट कहीं ना कहीं उनका भी किसानों की तरफ है और कई लोग मुखर होकर सामने बोलते हैं और उनसे हमने आपकी बातचीत भी करवाई। तो यहाँ पर काफी लोग हैं आसपास के गांव के यहाँ पर मौजूद हैं और अब पत्थरों को गिराने की तैयारी देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से हिलाया जा रहा है कि पत्थर यहाँ से नीचे गिराए जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।